हेलो एवरीवन, मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस कैंपस में। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं यहाँ पर DSSSB के लिए शॉर्ट वीडियोस लेके आऊंगी, और ये एक शॉर्ट वीडियो है रेनज्वेली के ऊपर। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था 2022 में PYQ में, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे जल्दी से। और मैं आप सभी से कह दूं, पूरी की पूरी एनलार्ज थ्योरी जो है मैं क्लास में करवाती हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, कितना आता है आप बताइएगा। यह है रेनज्वेली मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस। रेनज्वेली, जिसका पूरा नाम है जोसेफ रेनज्वेली, कब आया था? 1978 में आया था। इसने एक पूरा मॉडल दिया है जिसको हम थ्री रिंग मॉडल भी कहते हैं, थ्री रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस कहते हैं। इसमें क्या कहा इसने? इसने कहा जो प्रभावशाली बच्चा होता है ना, प्रभावशाली, ये जो प्रभावशाली बच्चा है वो कैसे बनता है? ये तीन चीजों से बनता है। कैसे? एक तो अबव एवरेज इंटेलिजेंस होती है, यानी कि उसका जो बुद्धि का स्तर होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब आप कह सकते हो जो एवरेज से ऊपर है, यानी कि मोर देन 100 आप कह सकते हो, यानी कि 100 और 110 में जो उसका IQ लेवल आता है। ध्यान रखिएगा यहां पर, क्या जो उसका बुद्धि लब्धि का स्तर आता है वो क्या होना चाहिए? 100 से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद उसने कहा कि गिफ्टेड बच्चा क्रिएटिविटी से, मतलब उसके अंदर नई नई चीजों की खोज करने की क्षमता होती है, कुछ नोवेलिटी ऑफ थॉट्स आते हैं, कुछ ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स होते हैं आप कह सकते हो, मतलब एक नई विचारधारा होती है, जल्दी से चीजों को कंप्लीट करता है, फ्लुएंसी ऑफ थॉट्स होते हैं, या कोई भी चीज वो करेगा, जैसे मान लो क्लासरूम में अगर वो कुछ नया सोच रहा है तो उसमें एक उत्पादकता होगी, मतलब उसका एक रिजल्ट होगा। ऐसे नहीं वो कुछ भी कर रहा है, जैसे तारे जमीन पर आपने देखा था उसमें सृजनात्मकता थी, मतलब कुछ नया सोच थी। तो यहाँ पर उसने कोई भी खिलौना बनाया और वो पानी पर चल रहा था, तो इसका मतलब वो रिजल्ट आएगा, मतलब वो प्रोडक्टिविटी होगी उसके अंदर। इसके अलावा उसने कहा कि उसके अंदर ना टास्क कमिटमेंट होगी, मतलब एक कर्मठ आप कह सकते हो कि वो कोई भी टास्क करेगा, मतलब एक हार्डवर्किंग इंसान होगा, डेडिकेटेड इंसान होगा, पैशनेट होगा, एनकरेज इंसान होगा। तो इन तीनों को, मतलब इन तीनों विशेषताओं को मिला के क्या बनता है? गिफ्टेड बिहेवियर बनता है, यानी कि प्रभावशाली बच्चा बनता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन आए हुए थे। ये है गिफ्टेड लर्नर की पहचान, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी मैंने एग्जाम्स देखे हैं, मतलब जितने 2022 के जो एग्जाम्स थे PYQs में, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन मुझे रेनज्वेली के ऊपर मिले। बहुत रिसर्च करके मैं आपके पास लेके आई हुई सीरीज, और हम नॉर्मल क्लास में, यानी कि जो 2 बजे वाली क्लास होती है, उसमें हम फुल फ्लेश थ्योरी भी करते हैं, मतलब वहां पर मैं NIOS कंप्लीट करवा रही हूं और यहां पर मैं PYQs की एक सीरीज लेके आई हूं। ऐसे क्वेश्चन जो समझ में नहीं आते, जैसे अभी नेक्स्ट सीरीज में हम डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, बॉम ब्रेंड, और बहुत अलग अलग नाम आए हैं, हेनरिच कौन नाम है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप DSSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं, या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर रेनज्वेली थ्री रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि थ्री रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस किसने दिया है, तो रेनज्वेली कहोगे। इसने किन किन चीजों को इंक्लूड किया है? औसत से ऊपर क्षमता, कार्य प्रतिबद्धता कहोगे या रचनात्मकता कहोगे, अबव एवरेज एबिलिटी, टास्क कमिटमेंट कहोगे, क्रिएटिविटी कहोगे। तो अभी हमने डिस्कस किया, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अबव एवरेज एबिलिटी, टास्क कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी। फिर एक क्वेश्चन आता है, रेनज्वेली कंसेप्ट ऑफ अबव एवरेज एबिलिटी रेफर्स टू व्हाट, मतलब इसका मतलब क्या है? कि IQ जो है, IQ का स्तर जो होगा वह एक्सेप्शनली हाई होगा, इसका मतलब यह है। अकेडमिक अचीवमेंट करेगा, मतलब बच्चे का जो स्कोर आएगा या अकेडमिक अचीवमेंट होगी बहुत अच्छी होगी, मतलब वो अच्छा परफॉर्म करता है, मैथ्स में भी अच्छे नंबर, साइंस में भी अच्छे नंबर, सोशल साइंस में भी अच्छे नंबर, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर होंगे। या फिर बच्चे के अंदर काबिलियत होगी, पोटेंशियल होगी, या फिर आप कहोगे कि स्ट्रांग लीडरशिप स्किल्स होती है ऐसे बच्चों में, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोच समझ के बताना मैंने क्या कहा। सुनने पर फोकस करो, मैंने कहा अबव एवरेज एबिलिटी में हमेशा उसका IQ जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि टास्क कमिटमेंट का मतलब क्या होता है यहां पर, ठीक है, टास्क कमिटमेंट या कार्य प्रतिबद्धता भी इसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? कि कड़ी मेहनत करने और चुनौतीपूर्ण कार्यों में बच्चे की इच्छा होगी, या फिर उस स्तर की आंतरिक प्रेरणा और जिज्ञासा होगी इस केस में, या फिर सामाजिक रूप से अनुकूलनीय होना या दूसरों के साथ अच्छा काम करने में सक्षम होना, ये होगा, या फिर असाधारण रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल प्रदर्शित करना। तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने कहा टास्क का मतलब क्या है, कि यहाँ पर कर्मठ होगा, मतलब उसके अंदर लगन होगी, पैशनेट होगा, डेडिकेशन होगी, हार्डवर्किंग होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये बात आएगी तो आप क्या कहोगे? हार्डवर्क कहोगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्क हार्ड, ठीक है,
टू दी चैलेंजिंग टास्क, मतलब नए नए काम को लेगा। जैसे कुछ ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो बहुत मेहनती होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी भी होती है, कुछ बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। इसी से आपको ये बताना है, ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप सभी से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो हेरिडिटी की देन है। किसने कहा 90% जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, वो हेरिडिटी की देन है। ठीक है, ऑप्शंस दूं क्या मैं तुम्हें? ये वुडवर्थ ने कहा, वुडवर्थ, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएगा। वुडवर्थ कहोगे, गैल्टन साहब कहोगे, क्या कहोगे? गैल्टन कहोगे, ये इसने कहा है, या फिर सिगमंड फ्रेड होगा, सिगमंड फ्रेड होगा, ठीक है, या फिर आप कहोगे एरिक एरिक्सन, क्या? एरिक्सन। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप सभी से कि किसने कहा कि बुद्धि जो है वो हेरिडिटी बेस पर होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, और किसने कहा हेरिडिटी जीनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। ठीक है, ये आप सभी के लिए है, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने अभी पूछे हैं, 3 क्वेश्चंस, उनके आंसर मैं दूंगी। ठीक है, लाइक करूं तो समझ जाना आपका सही सवाल है, और मैं कमेंट में लिखूंगी भी, ठीक है, कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि DSSB की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, तैयारी करना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि जब नोटिफिकेशन आए 2 से 3 महीनों में आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत कम होते हैं, है ना, 1.5 महीने 2 महीने ही मिलते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो जनरल पेपर फर्स्ट की तैयारी करोगे, पार्ट 2 की तैयारी करोगे। तो मैं यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें कवर करवा रही हूँ, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो NIOs हो। NIOs मोस्टली सभी को समझ में नहीं आता है, 2 बजे डेली बेसिस पर हम एनआईओस करते हैं। तो इसी के साथ बने रहे, और यदि समझ में आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार एक बार फिर से, और हम यहाँ पर मंडे को एक और शॉर्ट वीडियो लेके आने वाले हैं डेवलपमेंट के ऊपर। नमस्कार।